नमस्कार, इन्फ्लुएंस टू बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है महेश विश्वकर्मा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिल्म शहंशाह के सीक्वल से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीनू आनंद फिल्म के डायरेक्टर शहंशाह फिल्म के डायरेक्टर टीनू आनंद इस फिल्म का सीक्वल लेके आ रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों स्टार कास्ट को लेकर के कुछ खास खबरें सामने आई हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म शहंशाह के बारे में तो साल 1988 में रिलीज की गई थी। दोस्तों फिल्म में जो लीड रोल में नजर आए थे शहंशाह की भूमिका में वो थे अपने बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन, जबकि अभिनेत्री के बारे में बात करें तो मीनाक्षी नजर आई थी, साथ में विलेन की भूमिका में अमरीश पुरी नजर आए थे। जबकि दोस्तों फिल्म के बारे में बात की जाए तो माने तो फिल्म में अमिताभ बच्चन का डबल रोल था, जैसे कि दिन में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे और रात को शहंशाह बन जाते थे, और शहंशाह बनने के बाद जैसे कि जुए खाने हैं और शराब खाने वहां पे जाते थे तो वहां पे सभी दुश्मनों का खात्मा करते थे और गरीब मजदूरों पर हो रहे जुर्म करने वालों का भी खात्मा करते थे। फाइनली दोस्तों जो शहंशाह का किरदार था दोस्तों काफी डैशिंग था, काफी एक्शन अंदाज वाला था। जबकि बात करें फिल्म के कलेक्शन के बारे में तो आपको बता दें कि 1988 में फिल्म ने 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों सब मिला के अगर हम बात करें फिल्म के बारे में तो शहंशाह एक बहुत ही सुपर डुपर हिट एक अच्छी मूवी है जो कि आज भी फैंस द्वारा बेहद पसंद की जाती है। तो ऐसे में बात करें फिल्म के सीक्वल के बारे में तो टीनू आनंद फिल्म का सीक्वल लेके आ रहे हैं और स्टार कास्टिंग को लेकर के काफी सारी चर्चाएं हैं बॉलीवुड में, जिसमें सबसे पहले नाम आया था ऋतिक रोशन का कि फिल्म के सीक्वल में ऋतिक रोशन शहंशाह की भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों ऋतिक रोशन को लेकर के तो काफी सारी चर्चाएं थी कि शहंशाह की भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन आपको बता दें दोस्तों ये बॉलीवुड है, कुछ भी हो सकता है। आपको बता दोस्तों अभी जो हाल फिलहाल में जो खबरें आ रही हैं, कुछ बॉलीवुड हंगामा से खबरें आ रही हैं कि अभी फिल्म के सीक्वल में यानी कि शहंशाह की भूमिका में वापस रणवीर सिंह नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन है बल्कि अब रणवीर सिंह शहंशाह की भूमिका में नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, शहंशाह की भूमिका में बॉलीवुड का कौन सा स्टार सबसे बेस्ट रहेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी इसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें अगर कुछ भी कहना चाहते हैं फिल्म के बारे में। और अभी तक आपने हमारे चैनल इन्फ्लुएंस टू बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटी पे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।